हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो ताराकोट मार्ग के बारे में है, जो कि माता वैष्णो देवी के लिए एक नया कंस्ट्रक्टेड मार्ग है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप वैष्णो देवी यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जब जम्मू से कटरा पहुँचते हो तो कटरा में आप कहाँ स्टे ले सकते हैं, कौन कौन से मार्ग को प्रेफर कर सकते हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती है जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है, न्यू रूट और ओल्ड रूट में आपको क्या डिफरेंस मिलता है, कौन से रूट आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले जब आप कटरा बस स्टैंड पहुंचेंगे तो उसके पास में आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ये श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी के द्वारा बनाया गया कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि आपको कई सारी अलग अलग तरह की सुविधाएँ मिलती है। लाइक आपको डोरमेट्री बेड्स मिल जाते हैं इसमें होटल के लिए पर्सनल रूम और अलग अलग तरह के रूम्स मिल जाते हैं, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। तो आप यहाँ पे आके स्टे ले सकते हैं। यहाँ पे कॉस्ट 100 रुपीज़ पर बेड से लेके 1500 टू 2000 पर रूम तक प्राइस वेरी करता है। तो इसके लिए आप यहाँ बुकिंग कर सकते हैं। लाइकवाइज आप देख सकते हैं, ये अंदर की एंट्री है और इसमें इनका खुद का रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, जिसमें कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको फूड मिल जाएंगे। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आपको रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी, जो कि आप जिस रजिस्ट्रेशन के साथ आपको ऊपर जाना होता है माता के भवन के लिए। आप जब भी आए मोस्टली पहले प्रीफर करें कि आपको इस श्राइन बोर्ड के कॉम्प्लेक्स में स्टे मिल जाए, ये बहुत ही सेफ और नॉमिनल कॉस्ट पर आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं ताराकोट मार्ग के बारे में। ताराकोट मार्ग 80 करोड़ की लागत से बनी एक नई मार्ग है, जो कि आपको बाढ़ गंगा से अर्धकुंवारी तक ले जाती है। और इसमें आपके जो ट्रैक है उसकी चौड़ाई 20 फुट है और आपको इसमें पूरे रास्ते पे ऊपर की ओर शिल्डर देखने मिलता है। इसमें आपको कोई भी पालकी, पिट्ठू, घोड़ा या खच्चर देखने नहीं मिलता। तो आपको ये पूरा वे बहुत ही सेफ और नीट एंड क्लीन आपको मिलता है। जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं और इस वे में जगह जगह सीटिंग अरेंजमेंट भी बनाई गई है और वेटिंग हॉल के लिए भी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। और इस मार्ग में आपको सीढ़ियाँ देखने नहीं मिलती। और ये जो मार्ग है ये 1 किलोमीटर कुछ एक्स्ट्रा है हमारे ओल्ड रूट से। तो इसमें इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्की इंक्लिनेशन है। आप चाहे तो इसमें बहुत ईजीली चढ़ सकते हो। इसमें 4 व्हीलर्स अप डाउन होते हैं, जिसमें कि श्राइन बोर्ड की चीज़ें ऊपर से नीचे की और नीचे से ऊपर की ओर लेके जाया जाती है। तो कुछ इस तरह से ये आप रूट देख सकते हैं। इसमें अगर आप ग्रुप में हैं, आप नंगे पांव ऊपर की ओर दर्शन करना चाहते हैं, तो फिर ये बहुत ही वे सेफर मार्ग है, यहाँ से आप जा सकते हो। आइए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप यहाँ आएंगे तो ये सामने ये बस स्टैंड है, यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको वैष्णो माता जाने के लिए सबसे पहले बाढ़ गंगा के लिए ऑटो करना होगा। ये आप पैदल जा सकते हैं और ये रास्ते हैं जो बाढ़ गंगा जाती है। और कुछ इस तरह ऑटो से आप बाढ़ गंगा पहुँच जाएंगे। ये मेन मंदिर का एंट्री गेट है और ऑटो में यहाँ लग सकते हैं। दिस इज द एंट्री वे। जब आप सिक्योरिटी चेक से एंट्री करें तो फिर आप अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड पर स्टैंप जरूर लगवाएं। और थोड़ा सा आगे चल के आपको ये ताराकोट मार्ग के लिए कट मिल जाएगा। आप यहाँ से लेफ्ट होके बाढ़ गंगा होते हुए ताराकोट मार्ग पे जा सकते हैं। यह है बाढ़ गंगा बाथिंग पॉइंट। पीपल टेक केयर होली बात अंदर स्टार्ट कर चलिए। सही कह रहे हैं। दिस इज द वेटिंग हॉल एरिया फॉर ताराकोट मार्ग। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम दिस वे देन यू कैन टेक सम रेस्ट। एंड दिस इज द स्कैनिंग एरिया वेयर योर लगेजेस विल बी स्कैन फॉर सिक्योरिटी पर्पजेस। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। सो लेट्स गो अहेड। दिस रूट इज वेरी क्लीन, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइसली कंस्ट्रक्टेड। चलते आगे। रास्तों में छोटे छोटे रेस्टोरेंट कुछ इस तरह से आपको देखने मिल जाएंगे और जगह जगह स्पीकर्स लगे हुए हैं जिनमें सॉन्ग्स बजते रहेंगे। और यात्रियों के लिए और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, लाइक जैसे कि ये फाउंटेन। इस रास्ते में पूरे इस तरह से 3 फाउंटेन्स आपको मिलेंगे और बहुत सारे
अप्रॉक्स 46,000 ऑफ प्लांट्स आर प्लांटेड हियर। इस मार्ग में आपको लंगर की सुविधाएं भी मिल जाएंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए भोजन प्रबंध किए गए फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जगह जगह लंगर की व्यवस्थाएं कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये अरेंजमेंट श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी के द्वारा की गई है। निःशुल्क। दिस इज़ द मेडिकल यूनिट ऑफ ताराकोट। अगर आपको कोई मेडिकल सुविधाएं चाहिए तो आप यहां आ सकते हैं। एंड दिस इज़ द हेल्पलाइन नंबर। जम्मू कश्मीर में आपकी प्रीपेड सिम काम नहीं करते हैं, सिर्फ आपका BSNL का प्रीपेड सिम काम करेगा। अदरवाइज यू शुड हैव अ पोस्टपेड सिम और यू मे गो टू अ यात्री सिम और कैन से टूरिस्ट सिम विच यू कैन परचेज हियर ऑन एनी मोबाइल शॉप। इन पूरे रास्तों पर आप इस तरह से पिलर्स देख सकते हैं। इन ऑल दिस वे यू कैन सी लाइक दिस टाइप ऑफ पिलर्स इन द वे ऑफ ताराकोट फॉर पेइंग अप माता वैष्णो देवी। और ये मार्ग हमें हरिद्वार तक लेके जाती है, वहाँ से दोनों मार्ग मिलके एक ही हो जाएंगी, तो वहाँ तक आप ये मार्ग प्रीफर कर सकते हैं। इस रास्ते में आपको कोई भी घोड़े पिट्ठू या खच्चर नहीं दिखते, ये बहुत ही क्लीन वे है। और आप देख सकते हैं ये जो ओल्ड रूट है उससे इसके कंपेयर में ये कितना साफ है। और ये जगह जगह पे हमें ये नेट पोल देखेंगे जो कि हमें लैंडस्लाइड से बचाने के लिए लगाए गए हैं। और हम अभी काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं, वेयर वी कैन सी द क्लाउड्स। और ये जो शेड्स है ये पूरे रास्ते में आपको देखने मिले। एंड फ्रॉम हियर वी कैन टेक द फुल वाटर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे बहुत सारे डस्टबिन हैं, बहुत सारे सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। आफ्टर अ जर्नी ऑफ 2 किलोमीटर फ्रॉम हरिद्वारी वी रीच हियर एट हिमकोटी पॉइंट चेक पोस्ट एंड लेट्स गो अहेड। वी आर नाउ रीच्ड एट द लेवल ऑफ क्लाउड्स एंड यू कैन सी क्लाउड्स आर एट आवर लेवल वेरी क्लोजर। और हम बादलों को बहुत ही करीब से देख सकते हैं लाइक दैट। फिर इसी रास्ते से ऊपर जाके आप भवन तक पहुंच जाएंगे जहां पे आपको देवी माँ के दर्शन मिलेंगे। और इसके बाद से आपको 2 किलोमीटर और ऊपर चढ़ाई करनी होती है भैरव बाबा दर्शन के लिए। उनके दर्शन के बिना ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। और फिर उसके बाद से आप ओम पॉइंट सांझी छत होते हुए नीचे की ओर आएंगे और आप अर्धकुंवारी पहुँच जाएंगे। उसके बाद से आपके पास 2 वे होगा, जिसमें आप एक ताराकोट मार्ग प्रीफर कर सकते हो नीचे आने के लिए और दूसरा जो ओल्ड रूट है आप उसको प्रीफर कर सकते हो। आई सजेस्ट आप ओल्ड रूट को प्रीफर करिए नीचे आने के लिए, क्योंकि उसमें सीढ़ियाँ होती हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है बट उतरने के लिए काफ़ी ईजी होती है। तो आप ओल्ड रूट को प्रीफर करें नीचे आने के लिए, जिसमें कि आप सीढ़ियों की हद से आराम से नीचे उतर सकें, जो कि शॉर्टकट वे होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपकी कोई राय, आपके कोई सजेशन, आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जनरल।